हेलो दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लर्न नर्सिंग कंसेप्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फार्माकोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कोई मेडिसिन जितनी इंपॉर्टेंट होती है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसका रूट, किस रूट के द्वारा देनी है, किस रास्ते के द्वारा वो दवाई देनी है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। बहुत एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपने आप के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक होता है। आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आई वाज मेंशनड हियर, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दो रूट अपन पढ़ते हैं मेनली, है ना। दो रूट पढ़ते हैं मेनली क्लासिफिकेशन के अंदर, कौन कौन से रूट होते हैं। फर्स्ट रूट होता है आपका लोकल रूट और सेकेंड होता है आपका सिस्टमिक रूट। फर्स्ट होता है आपका लोकल और सेकेंड होता है आपका सिस्टमिक। अब देखिए इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्या लोकल होता है और क्या सिस्टमिक होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो सिस्टमिक रूट की अपन बात करें तो सिस्टमिक रूट का मतलब होता है कोई ड्रग्स देंगे और डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगी, वो किसके अंदर आएगा, सिस्टमिक के अंदर। वो किसके अंदर आएगा, सिस्टमिक के अंदर। हम यहाँ पर लिखते हैं इन टू द ब्लड। लेकिन जो आपका लोकल रूट है ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाता है, जहाँ पर काम है वहीं काम करता है, मतलब लोकल साइड पे काम करता है, उसको क्या कहेंगे, लोकल रूट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, लोकल मतलब नॉट इन ब्लड, मतलब ब्लड में इसका कोई रोल नहीं रहता है, उसको क्या कहेंगे, लोकल मतलब पर्टिकुलर जगह पर। आपको जैसे यहाँ पेन हो रहा तो यहीं पर दवा लगा दी, तो उसमें ब्लड की कोई ब्लड में दवाई भेजने की ज़रूरत भी नहीं है। मेजर तौर पर नॉर्मली हल्की सी चोट लगी, इसको यहाँ पर दवाई लगा दी, हेडेक हो रहा है यहाँ पर दवाई लगा दी, है ना। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका लोकल रूट के अंदर। अब लोकल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग रूट होते हैं, वो हमने टाइम बचाने के लिए पहले से ही लिख रखे हैं। जैसे हमने लिखा है टॉपिकल, देखिए टॉपिकल का मतलब होता है लोकल के अंदर भी लोकल, लोकल के अंदर भी लोकल। हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग तो बाहर से हैं लेकिन ये यहाँ के लोकल है, तो लोकल कौन कौन से होते हैं वो हमने देखे हैं, लोकल में भी कौन कौन से लोकल होते हैं। टर्म्स यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जाम के अंदर छोटी छोटी टर्म्स पूछी जाती है, उनका मतलब क्या होता है वो बहुत जरूरी होता है जानना। देखिए आई वाज मेंशनड हियर, फर्स्ट टर्म्स हमने देखी है इनेक्शन। इनेक्शन का मतलब होता है अगर कोई आप दवाई अप्लाई कर रहे हो वो ऑइंटमेंट फॉर्म के अंदर अप्लाई कर रहे हो, किसके अंदर, ऑइंटमेंट फॉर्म के अंदर, वो रूट को क्या कहेंगे, इनेक्शन। उस प्रोसेस को कहेंगे इनेक्शन, हम यहाँ लिखते हैं ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट फॉर्म, वो किसके अंदर आएगी, आपके इनेक्शन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉविडिन आयोडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, पॉविडिन आयोडीन एग्जाम्पल, पॉविडिन आयोडीन, या आपके सिल्वर नाइट्रेट, या जितने भी आपकी एंटीफंगल क्रीम वगैरह होती हैं, आयोडेक्स होती हैं, आपकी जो फंगस के लिए क्रीम वगैरह होती हैं, पेन किलर भी जो क्रीम होती है, वो किसके अंदर आएगी, इनेक्शन, ऑइंटमेंट फॉर्म के अंदर क्रीम्स। ये क्रीम्स वगैरह जितनी भी रहती है इनेक्शन के अंदर आएगी। तो पहला हमारा टॉपिक क्लियर। सेकेंड होता है इनसफ्लेशन। देखिए इनसफ्लेशन क्या होता है, अगर कोई ड्रग्स को आप अगर पर्टिकुलर लोकल साइट पर पाउडर फॉर्म के अंदर अप्लाई करते हैं उसको क्या कहेंगे, इनसफ्लेशन, मतलब दवाई तो है लेकिन वो पाउडर फॉर्म के अंदर है और उसको लोकल साइट पर डाला जाता है, उसको भुरकाया जाता है ना, बेसिकली सिंपली मतलब समझे तो डायरेक्टली उसके ऊपर घाव के अंदर भुरका दिया, डाल दिया, उसको अपन क्या कहेंगे, इनसफ्लेशन, क्या कहेंगे, इनसफ्लेशन, पाउडर फॉर्म। जैसे आपके एक एंटीफंगल पाउडर होता है बहुत सारे पेशेंट को दिया जाता है, क्लोट्रिमाजोल, जो एंटीफंगल कैटेगरी का होता है और जहाँ पर खाज खुजली है, जो फंगस का इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर डायरेक्टली उसको पुट किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है, डाला जाता है पाउडर फॉर्म के, जैसे क्लोट्रिमाजोल, ये एक पाउडर होता है, और पॉविडिन आयोडीन का भी पाउडर आता है जो डायरेक्टली वुंड के ऊपर पुट किया जाता है ना, तो ये होता है आपका इनसफ्लेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन का मतलब होता है लिक्विड फॉर्म जो दवाई होती है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर इंसर्ट करते हैं उसको क्या जाता है, इंस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल आपकी आँख के अंदर आई ड्रॉप डाली जाती है, आपके ईयर के अंदर ईयर ड्रॉप्स डाली जाती है, उस मेथड को क्या कहेंगे, इंस्टिलेशन। उस मेथड को क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इंस्टिलेशन, मतलब आई ड्रॉप्स ईयर ड्रॉप्स, वो किस मेथड से पुट करते हैं, इंस्टिलेशन के थ्रू। यहां पर हम लिखते हैं आई ड्रॉप्स एंड ईयर ड्रॉप आल्सो,
आई ड्रॉप एंड ईयर ड्रॉप कैसे डालते हैं, आपके इंस्टॉलेशन के थ्रू। ईयर ड्रॉप डालने के लिए पूछा जाता है अडल्ट के अंदर कैसे डालेंगे, तो कान के अपर पार्ट को कहते हैं पिन्ना, है ना, और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं ईयर लोब। तो अगर अडल्ट पेशेंट की बात करें तो ये जो ईयर पिन्ना होता है इसको अपवर्ड खींचेंगे और बैकवर्ड खींचेंगे। बहुत एग्जाम के फेमस सवाल है अपवर्ड और बैकवर्ड, अपवर्ड और बैकवर्ड। अडल्ट पेशेंट में मतलब बड़ों की बात करें तो ईयर पिन्ना को ऊपर खींचो और पीछे खींचो। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि आपके जो ऑडिटरी कैनाल होती हैं, जो ऑडिटरी कैनाल होती है वो नॉर्मली एस शेप की होती है, उसको स्ट्रेट करने के लिए जो आपका पिन्ना को ऊपर खींच के पीछे खींचेंगे वो आपकी स्ट्रेट हो जाएगी और जब दवाई डालोगे तो डायरेक्टली अंदर चली जाएगी, है ना। और वही अपन बात करते हैं ये जो इंस्टॉलेशन होता है ईयर ड्रॉप, बच्चों के अंदर बात करें, न्यू बॉर्न या चिल्ड्रन के अंदर बात करें तो ईयर लोब को हमेशा नीचे खींचा जाता है और पीछे खींचा जाता है, मतलब पुल द ईयर लोब बिलो एंड बैकवर्ड, है ना, बिलो बैकवर्ड। आई बात समझे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इंस्टॉलेशन इज आल्सो दवाई दी जाती है ईयर ड्रॉप और ईयर ड्रॉप के अंदर। नेक्स्ट अपन टर्म्स हमने यहाँ पर लिखी है आपकी इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है किसी दवाई को किसी कैविटी के अंदर इंसर्ट करना, है ना। मतलब अगर फॉर एग्जांपल की बात करें आपके सपोजिटरीज जो होती है, रेक्टल सपोजिटरी और वेजाइनल सपोजिटरीज, सपोजिटरी को क्या जाता है उस कैविटी के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट किया जाता है और लोकल साइड में जाकर काम करती है। इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, दैट इज द रेक्टल सपोजिटरी, रेक्टल सपोजिटरी एंड वेजाइनल सपोजिटरी, वेजाइनल सपोजिटरीज, वेजाइनल सपोजिटरी के अंदर जो कुछ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह होते हैं वो नॉर्मली दिए जाते हैं। तो ये हमने किसके अंदर देखा, इंसर्शन के अंदर। नेक्स्ट लिखा यहाँ पर इनहेलेशन। देखिए रेस्पिरेशन सिस्टम जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं, मतलब सांस को लेना और सांस को छोड़ना। तो ये जो इनहेलेशन का प्रोसेस है, लिक्विड फॉर्म की जो दवाई होती है उसको स्टीम के अंदर कन्वर्ट करके भाप के द्वारा अंदर लेना, उसको क्या कहा जाता है, इनहेलेशन। मतलब दवाई लिक्विड के अंदर पानी फॉर्म में होती है, उसको भाप बनाया जाता है एक प्रेशर मशीन के द्वारा और उसको नेजली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इनहेल किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, इनहेलेशन। फॉर एग्जांपल आपका नेबुलाइजेशन, है ना, जिसको अपन देसी भाषा के अंदर बफारा के नाम से जाना जाता है, बफारा दिया जाता है, वो लिक्विड डाला जाता है लेकिन एक प्रेशर मशीन की मदद से एक प्रेशर बनाया जाता है और उस लिक्विड को भाप बनाई जाती है और भाप जो होती है एक नेबुलाइजर मास्क लगाते हैं और वो नेजल से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाता है और वो लंग्स के अंदर लोकली काम करता है, है ना, इसके लिए इसको लोकल के अंदर काउंट करते हैं, इसको क्या कहेंगे, इनहेलेशन। मतलब फॉर एग्जांपल लिख दिया हमने लिक्विड टू स्टेम, लिक्विड से स्टेम फॉर्म के अंदर स्टीम, स्टीम फॉर्म के अंदर, एग्जांपल नेबुलाइजेशन। नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन जैसे सालबुटामोल, ब्रोंकोडायलेटर एक दवाई होती है, सालबुटामोल का लिया जाता है, इसके साथ में कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं, ड्यूलिंज होते हैं और हाइपरट्रोपियम ब्रोमाइड नाम की दवाई होती है, ये सारी जो दीजिए आपके नेबुलाइजेशन के थ्रू दी जाती है। एक और टर्म्स हमने लिखे हैं इंट्रा आर्टिकुलर। देखिए अब और कुछ लोकल, इनके अलावा भी रूट होते हैं। इंट्रा का मतलब होता है इनटू, इनटू मतलब इनटू किसके अंदर, आर्टिकुलर, आर्टिकुलर का मतलब होता है जॉइंट्स, मतलब आपकी कोई दवाई जॉइंट के अंदर इंसर्ट की जाती है उसको क्या कहा जाता है, इंट्रा आर्टिकुलर। मतलब इंट्रा आर्टिकुलर मतलब इनटू द जॉइंट्स, डायरेक्ट जॉइंट के अंदर डाली जाती है दवाई, उसको इंट्रा आर्टिकुलर कहते हैं। और जैसे कुछ स्टेरॉइड होते हैं वो आपके इंट्रा आर्टिकुलर दिए जाते हैं। और यहाँ लिखा है इंट्रा ओसिस, ओसिस वर्ड का मतलब होता है बोन मैरो और इंट्रा मतलब इनटू। अब जो ये ओसिस है ये वर्ड बोन मैरो के लिए यूज हुआ है, अगर कोई दवाई डायरेक्टली बोन मैरो के अंदर इंसर्ट की जाती है उस कंडीशन को या उस रूट को अपन क्या कहेंगे, इंट्रा ओसिस। तो हम यहां पर लिखते हैं इंट्रा ओसिस मतलब बोन मैरो, बोन मैरो। आई बात समझे। नेक्स्ट अपने लिखा है इंट्रा थिकल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है थिकल, जो वर्ड होता है ये रूट होता है आपके सब एरेक्नोइड स्पेस के लिए, है ना, सब एरेक्नोइड स्पेस इनटू सब एरेक्नोइड स्पेस। देखिए ये क्या होता है, हमारी ब्रेन की कवरिंग पड़ते हैं ना, ब्रेन की जब कवरिंग पड़ते हैं, लेट्स सपोज दिस इज आवर ब्रेन,
ब्रेन की कवरिंग के ऊपर एक पाया मैटर होती है, उसके ऊपर आपके एरेक्टोइन मैटर होती है, उसके ऊपर आपकी ड्यूरा मैटर होती है, उसके ऊपर आपका जो स्कल होता है उसके ऊपर आपका पेरिओस्टियम होता है, उसके ऊपर आपका स्काल्प होता है, और स्काल्प के ऊपर जो होते हैं काले घुंघराले जो बाल होते हैं वो स्काल्प के ऊपर रहते हैं। तो ये ब्रेन की कवरिंग्स होती है माय डियर फ्रेंड्स। अब इसके कवरिंग की अपन बात करें तो सबसे जो नीचे जो ब्रेन के ऊपर होती है इसको अपन कहते हैं पाया मैटर, पाया मैटर। और इसके ऊपर होती है एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड। और इसके ऊपर होती है ड्यूरा मैटर, और इसके ऊपर आपका आप पेरिओस्टियम, स्कल, स्काल्प और हेयर। अब देखिए ड्यूरा मैटर की जो ऊपर वाली बात होती है इसको कहते हैं एपिड्यूरल, एपी मतलब अबो और ड्यूरा मैटर के ऊपर, तो एपिड्यूरल। इस स्पेस को क्या कहा जाता है, एपिड्यूरल स्पेस, इसको कहते हैं एपिड्यूरल। और एपिड्यूरल ड्यूरा मैटर के नीचे वाला जो स्पेस होता है जो सब एरेक्नोइड और ड्यूरा मैटर के बीच में है इसको कहा जाता है सबड्यूरल, सबड्यूरल। और नेक्स्ट अपन बात करते हैं एरेक्टोइड मैटर और पाया मैटर के नीचे बीच वाली बात करते हैं, इसको अपन कहते हैं सब एरेक्नोइड। सब का मतलब नीचे और एरेक्नोइड मतलब एरेक्नोइड मैटर, सब एरेक्नोइड। तो ये जो स्पेस होता है माय डियर फ्रेंड्स ये सब एरेक्नोइड होता है, इसके ऊपर सबड्यूरल, एपिड्यूरल और ये सब एरेक्नोइड। अगर कोई दवाई आपके इंट्राथिकल रूट के द्वारा दी जाती है उसको सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर डाला जाता है, यहाँ पर अगर कोई दवाई पुट की जाती है वो किसके अंदर आएगा, इंट्राथिकल के अंदर। और वही अपन बात करें ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है इसी के अंदर आपका CSF फ्लो करता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड जो होता है, जो ब्रेन का फ्लूड होता है वो यहीं पर फ्लूड करता है। किसी वजह से उसका लेवल अगर बढ़ जाता है उस कंडीशन को कहते हैं इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर, वो एक बहुत ही अलग कंडीशन होती है। हमने यहाँ पर देखा इंट्राथिकल किसके अंदर, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक लिखा है इंट्रा आर्टीरियल, आर्टीरियल का मतलब होता है इनटू द आर्टरी। हम दो पढ़ते हैं, एक आर्टरी पढ़ते हैं एक वेन पढ़ते हैं, एक धमनी पढ़ते हैं एक शिरा पढ़ते हैं। तो आर्टरी जो होती है आपके हार्ट से बॉडी के अंदर ब्लड लेके जाती है, और वेन जो होती है आपकी बॉडी से हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती है। अब देखिए लेट सपोज एक यहाँ पर कोई आर्टरी अपन काउंट करते हैं, अगर यहाँ आर्टरी जो आगे लेके जा रही है और वेन वापस ब्लड हार्ट को लेके जा रही है, अब आर्टरी के अंदर यहाँ दवाई में कोई इंसर्ट करते हैं तो ये क्या पीछे जाएगी, नहीं ये आगे आगे की तरफ जाएगी, क्योंकि आर्टरी का ब्लड फ्लो हमेशा बॉडी में आगे की तरफ होता है। तो यहाँ पुट करूँगा तो उसी जगह पर जाएगी जहाँ पर वो ब्लड आगे फ्लो हो रहा है, आई बात समझें, तो आगे जाकर वो लोकली काम करेगी, इसलिए इसको किसके अंदर काउंट किया है, लोकल के अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं इंट्रा आर्टीरियल, आई बात समझें, इसको अपन कहते हैं इनटू द आर्टरी, इनटू द आर्टरी, आर्टरी। तो ये हमने कुछ लोकल और टॉपिकल रूट्स पढ़े, अब अपन बात करते हैं फर्दर मूव करते हैं आपके सिस्टमिक रूट के अंदर, क्या होता है सिस्टमिक और इसके अंदर। देखिए सिस्टमिक जो रूट होते हैं हमारे फ्रेंड्स इसके अंदर बेसिकली अब दो टाइप के अपन रूट पढ़ते हैं, कौन कौन से पढ़ते हैं दो टाइप के, वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका एंटरल, एंटरल दिस इज एंटरल, एंटरल, एंड सेकंड होता है आपका पैरेंट्रल। एंट्रल क्या होता है, पैरेंट्रल कहते हैं वो अपन देखते हैं। एंट्रल का मतलब होता है मतलब कोई अगर दवाई अपन देते हैं वो ब्लड के अंदर सिस्टम के थ्रू रुकती रुकती जाती हैं, मतलब स्टॉपेज लेके जाती हैं, उस फील्ड उस ड्रग उस रूट को अपन काउंट करेंगे एंट्रल के अंदर, मतलब स्टॉप ले लेकर रुकती 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 ब्लड के अंदर जाती है। अब इसके तरह तीन रूट पड़ते हैं मेनली, कौन कौन से होते हैं, पहला जो रूट होता है बेसिकली एंट्रल के अंदर वो होता है आपके ओरल रूट, कौन सा होता है ओरल रूट। सेकेंड जो होता है वो रेक्टल रूट होता है, और थर्ड एक और पढ़ते हैं सबलिंगुअल, है ना सबलिंगुअल, इसी के पार्ट होते हैं। ओरल रूट जो होता है मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, मतलब ओरल कैविटी, मुंह के अंदर कोई टैबलेट रखी और वो इसोफेगस, इसोफेगस से आपके स्टोमक, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में गई और वहां से अब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट क्या चली गई आपके ब्लड के अंदर। तो इसको किसके अंदर काउंट करेंगे, ओरल के अंदर, जो इंटेस्टाइन के थ्रू होता है ना। एंट्रल वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली इंटेस्टाइन के लिए, इंटेस्टाइन, अगर कोई दवाई इंटेस्टाइन के अंदर जाती है, इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर जाती है वो पैरेंट एंट्रल के अंदर काउंट किया जाएगा। अब ओरल की बात करें तो ये होता है मोस्ट कॉमन, ये क्या होता है मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है।
और मोस्ट रिलायबल भी होता है, मतलब चीपेस्ट स्टोर भी होता है, मतलब सस्ता होता है। इसमें कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं गोली लेने के लिए कोई टेक्निक होनी चाहिए, गोली को खोलो डायरेक्ट ले लो, सिरप ले लो डायरेक्ट पी लो, है ना। तो ये होता है आपका बेसिकली। और भाई इसको कॉन्शियस पेशेंट लेते हैं ना, कॉन्शियस अगर कोई पर्सन कॉन्शियस है, कॉन्शियस पेशेंट के अंदर यूज़ की जाती हैं ओरल के अंदर। और इसके ड्रॉबैक क्या होते हैं बेसिकली, अगर अनकॉन्शियस कोई क्लाइंट है तो ओरल रूट को यूज़ नहीं कर सकते। अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है उसके अंदर फिर ओरल रूट को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके एस्पिरेशन होने की रिस्क रहती है। अगर कोई पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं है या साइकेट्रिक पेशेंट नहीं है तो कभी कभार ओरल भी उसके अंदर भी अलाउ नहीं किया जाता है ना, साइकेट्रिक पेशेंट या नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट के अंदर। ये जो ओरल रूट होता है बेसिकली कभी कभार इसके अंदर जो ड्रग्स दी जाती हैं बेसिकली इरिटेशन कॉज करती हैं स्टोमक के अंदर, जीआई इरिटेशन करती हैं, तो कभी कभार इसको भी फिर अवॉइड कर सकते हैं। तो मेनली जो होता है ओरल रूट थ्रू द ओरल, और वो जो ड्रग्स होती है इंटेस्टाइन में जाएगी और आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करेगी, और इसको बायो अवेलेबिलिटी है वो कहाँ जाएगी, ब्लड के अंदर। ये दो टर्म्स अलग अलग होते हैं, इसको भी हम फर्दर पढ़ेंगे। तो ये रूट होता है आपका ओरल रूट। टैबलेट्स सिरप किसके द्वारा दी जाती हैं, टैबलेट सिरप सस्पेंशन ये सारी दवाएं दी जाती है आपके ओरल रूट के द्वारा। अब एक और पढ़ते हैं सब लिंगुअल। देखिए सब लिंगुअल मतलब बिलो द टंग्स, मतलब आपके जीभ के नीचे भी दवाई रखी जाती है बिलो द टंग्स, वो किसके अंदर आएगी, उस रूट को कहते हैं सब लिंगुअल। हालांकि ओरल कैविटी के अंदर जीभ के नीचे एक ओरल कैविटी एक इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, इसलिए इसको काउंट करते हैं एंट्रल रूट के अंदर। लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है बेसिकली सिस्टमिक इफेक्ट कैसे होता है, क्योंकि ये जीभ के नीचे से डायरेक्ट सर्कुलेशन के अंदर चली जाती है, क्योंकि बिलो द टंग्स बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो मेजर सर्कुलेशन वहाँ पर पाया जाता है, और डायरेक्टली जीभ के नीचे से ब्लड के अंदर अब्जॉर्ब होती है और ये ब्लड के अंदर चली जाती है। इसका इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, सिस्टमिक होता है, लेकिन रूट होता है एंट्रल होता है, इसको कहते हैं सब लिंगुअल। क्या कहते हैं, सब लिंगुअल, बिलो द टंग्स। इसको अपन लिखते हैं बिलो द टंग्स, बिलो टंग्स। और एग्जाम्पल की बात करें, एक ड्रग्स होती है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होती है, नाइट्रोग्लिसरीन, जो हार्ट वाले पेशेंट के अंदर दी जाती है एनटीजी, उस ड्रग को कहते हैं एनटीजी। एनटीजी दवाई होती है ये आपके सब लिंगुअली दी जाती है, जीभ के नीचे रख दी जाती है। पेशेंट को बोला जाता है अगर आपको चेस्ट पेन होता है, हार्ट के अंदर पेन होता है, एंजाइना पेक्टोरिस जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये दवाई दी जाती है एनटीजी। चेस्ट पेन होता है तो आप जीभ के नीचे गोली रख दो, 5 मिनट के अंदर अगर ठीक नहीं होता है एक और गोली ले लो, अगर ठीक फिर भी नहीं होता है 5 मिनट के बाद एक और गोली ले लो। मतलब इसकी मैक्सिमम 3 डोज ली जा सकती हैं सब लिंगुअली। अगर 3 डोज के बाद भी अगर ठीक नहीं होता है तो इन्फॉर्म करेंगे अदर फर्दर फैसिलिटी को, ताकि ये और प्रिवेंट कर सके। तो ये जो रूट होता है उसको कहते हैं सब लिंगुअली, है ना। उसके अंदर हमने पढ़ा नाइट्रोग्लिसरीन। एक रूट हमने लिखा है रेक्टल, देखिए इनटू द रेक्टम। इंटेस्टाइन का पार्ट जो होता है लास्ट पार्ट होता है, सिग्मोइड कोलन होता है, सिग्मोइड कोलन के बाद में इंटेस्टाइन पड़ते हैं, माउथ से अगर काउंट करें माउथ, उसके बाद में हमारा इसोफेगस होता है, फिर स्टोमक होता है, फिर आपकी ड्यूडेनम होती है, जोजिनम होती है, ईलियम होती है, उसके बाद आपकी जो कोलन होती है लार्ज कोलन, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलन होती है, ट्रांसवर्स कोलन, उसके बाद में डिसेंडिंग कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन, फिर रेक्टम आता है, उसके बाद में एनल कैनल और एनस आता है। लेकिन ये जो रेक्टम के अंदर कोई दवाई दी जाती है उस रूट को अपन क्या कहेंगे, रेक्टल रूट। हालांकि रेक्टम एक इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, अगर कोई उसके अंदर एनिमा इंसर्ट की जाती है, रेक्टल एनिमा डाली जाती है, तो वो रेक्टल के थ्रू दी जाती है, उस रूट को कहते हैं रेक्टम। ये बेसिकली अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उसके अंदर यूज़ की जाती है, क्योंकि ओरल रूट अनकॉन्शियस के अंदर यूज़ नहीं किया जाता है, ये अनकॉन्शियस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अनकॉन्शियस पेशेंट कैन यूज़, अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर दे सकते हैं, और एनिमा इसके थ्रू दे सकते हैं। क्या करते हैं, एनिमा इसके द्वारा दिया जाता है। लेकिन पूछा जाए कौन से पेशेंट के अंदर रेक्टल रूट यूज़ नहीं करेंगे, वो अगर आप कोई पेशेंट कार्डिक पेशेंट है, हार्ट वाला मरीज है, उसके अंदर ये यूज़ नहीं करेंगे। पूछे कोई क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब रेक्टल रूट आप यूज़ करोगे तो रेक्टल रूट के द्वारा वेगल स्टिमुलेशन होगा, आपकी जो वेगस नर होती है, जो 10th नंबर की क्रेनियल नर होती है, वो जब स्टिमुलेट होगी वो आपके करेगी ब्रैडीकार्डिया, मतलब आपके हार्ट रेट को कम कर देगी। इसीलिए अगर कोई पेशेंट कार्डिक पेशेंट है, हार्ट वाला पेशेंट है, उसके अंदर ब्रैडीकार्डिया को प्रिवेंट करने के लिए रेक्टल रूट को यूज़ नहीं किया जाता है। आइए बात समझ में। पूछा जाता है कभी कभार नॉट यूज इन कार्डिक पेशेंट, कार्डियक पेशेंट के अंदर यूज, कार्डिक पेशेंट नॉट यूज, ठीक है,
ये हमने देखा रेक्टल रूट, सबलिंगुअल रूट। तो ओरल रूट के अंदर कुछ हमने चीजें देखी, रेक्टल रूट, सबलिंगुअल। अब अपन बात करते हैं पेरेंटल रूट। क्या होता है पेरेंटल रूट? देखिए पेरेंटल का मतलब होता है पर एंट्रल। पर एंट्रल मतलब बिसाइड्स द एंट्रल, मतलब इंटेस्टाइन के अलावा। ये इंटेस्टाइन के रूट होते हैं, इंटेस्टाइन के अलावा कौन कौन से रूट होते हैं वो अपन पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, जिससे इंटेस्टाइन के थ्रू भी नहीं देते हैं लेकिन दवाई कहाँ जाती है आपके ब्लड के अंदर। कौन कौन से रूट होते हैं अभी अपन देखने की कोशिश करते हैं। पेरेंटल रूट, पेरेंटल रूट को समझने के लिए हम बेसिकली ये चार रूट के अंदर पढ़ते हैं। देखिए पेरेंटल रूट को पढ़ने से पहले हम जो स्किन के आपकी बॉडी की स्किन की लेयर होती है उसका जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्या होती है स्किन की लेयर? देखिए स्किन जो होती है हमारी बेसिकली ये कौन सी लेयर होती है? फर्स्ट जो आपकी स्किन होती है, स्किन की ऊपर वाली लेयर को अपन कहते हैं एपिडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस आपकी स्किन जो होती है सुपरफिशियल लेयर उसको क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के जो नीचे वाली लेयर होती है उसको अपन कहते हैं डर्मिस, उसको क्या कहते हैं? डर्मिस। और ये जो डर्मिस होती है इस डर्मिस के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सबक्यूटेनियस टिश्यू। वो उसको क्या बोलेंगे? सबक्यूटेनियस टिश्यू। और सबक्यूटेनियस टिश्यू के जो नीचे माय डियर फ्रेंड्स होती है आपकी मसल्स होती है। आई बात समझ में? तो ये हमने छोटा सा क्लासिफिकेशन देखा, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखा। अब अपन देखते हैं पेरेंटल जो सिस्टमिक रूट होता है उसके अंदर चार रूट पड़ते हैं आपका। सबसे पहले इंट्रा मस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्रावीनस एंड इंट्रा टर्मिनल, जिसको IMSC, IV और ID के नाम से जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रा मस्कुलर। इंट्रा मस्कुलर जो होता है आपका इनटू द मसल्स, जैसा कि बात समझ में आ रही है, इंट्रा मतलब इनटू, मस्कुलर मतलब मसल्स के अंदर, इनटू मसल्स, मसल के अंदर दिया जाता है। और ये जो होता है नॉर्मली यूज किया जाता है बेसिकली कुछ पेन की ड्रग्स देने के अंदर ना, IM जो मेडिकेशन सारी होती है उसके अंदर यूज़ करते हैं इंट्रामस्कुलर यूज। बात करते हैं कैसे देते हैं इसको। देखिए इंट्रा यहाँ पर मसल लेयर अपन देख रहे हैं तो इनटू द मसल्स मतलब डायरेक्ट ड्रग्स आपके मसल के अंदर डालेंगे, सिरिंज का यूज़ करके, नीडल का यूज़ करके। अब देखिए एक ड्रग्स देते हैं, लेट सपोज दिस इज आवर सिरिंज, दिस इज आवर सिरिंज। अब इसके अंदर कोई ड्रग्स भरी है और ये जो ड्रग्स आपको मसल के अंदर देनी है तो डायरेक्टली मसल के अंदर डालेंगे। कैसे देंगे? देखिए दिस इज आवर सिरिंज, ये नीडल है आपकी, डायरेक्टली कहाँ जाएगी? मसल के अंदर। तो और ये डायरेक्टली जब मसल्स के अंदर जाएगी तो यहाँ से ये ब्लड के थ्रू अब्जॉर्ब होकर कहाँ चली जाएगी? ब्लड में जाएगी और अपना काम कर देगी। लेकिन अब पूछा जाए कि ये जो इंट्रामस्कुलर दी जाती है इस नीडल का एंगल कितना होता है, और आप सभी को पता है इंट्रामस्कुलर का जो एंगल होता है बेसिकली स्किन और नीडल के बीच में वो होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। ये देख रहे हैं आप, जब नीडल इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो ये एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, 90 डिग्री पे इसको पुट किया जाता है 90 डिग्री। और बहुत सारी दवाएँ इसके थ्रू दी जाती हैं जो मेजर जो बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन भी दिया जाता है ना, वैक्सीनेशन भी इंट्रामस्कुलर के थ्रू दी जाता है। मेजर कौन कौन सी मसल्स होती हैं वो अपन देखते हैं। पहली बात करें तो आपकी जो डेल्टोइड मसल होती हैं, डेल्टोइड मसल जो आपके अपर आर्म्स की जो मसल्स होती हैं वो डेल्टोइड मसल्स काउंट होती है। आपकी जो बटक्स की मसल्स होती हैं जिसको अपन ग्लूटियल मसल्स कहते हैं वो भी इंट्रामस्कुलर के अंदर काउंट होती हैं। आपकी जो एंटीरियर थाई की मसल होती हैं जिसको अपन वास्टस लेटरलिस मसल्स कहते हैं वो भी किस रूट के अंदर काउंट होती है? इंट्रामस्कुलर के अंदर, है ना। एग्जाम्पल के अंदर लिखते हैं डेल्टोइड, एग्जाम्पल डेल्टोइड आपकी ग्लूटियल, ग्लूटियल मसल और आपके वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस लेटरलिस, ठीक है। तीन मसल हमने पढ़ी, डेल्टोइड जो होती है आपकी अपर आर्म्स की मसल्स होती हैं, ये बटक्स मसल्स होती है, और अच्छा ग्लूटियल इसके अंदर भी दो, ग्लूटियल के अंदर आपकी वेंट्रोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल भी आती है ना, अलग अलग साइड के अकॉर्डिंग। ये थाई की मसल होती है, ये अपर आर्म्स की मसल्स होती है, इसका एंगल 90 डिग्री का होता है और मसल के अंदर दी जाती है आपकी। और वेस्टस लेटरलिस जो होती है हमारी फ्रेंड्स, ये बेसिकली नॉर्मली इम्यूनाइजेशन बच्चों के अंदर वैक्सीनेशन लगाने के लिए कौन सी यूज़ की जाती है? वेस्टस लेटरलिस, क्योंकि बच्चों के अंदर ना तो बटेक्स के अंदर इतनी फैट होती है ना डेल्टोइड मसल्स के अंदर इतनी फैट होती है। जो नॉर्मली जो थाई की मसल होती हैं वो वेस्टस लेटरलिस मसल होती हैं, वहाँ पर मसल थोड़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए बच्चों के अंदर न्यू बॉर्न के अंदर ये इम्यूनाइजेशन वैक्सीन देने के लिए ये यूज़ की जाती हैं।
तो ये हमने देखा इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कैसे निडल को इंसर्ट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सबक्यूटेनियस। देखिए सबक्यूटेनियस का मतलब होता है ये जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है इसके अंदर अगर कोई दवाई दी जाती है, मेडिकेशन इंसर्ट की जाती है, वो कौन सा रूट होगा? सबक्यूटेनियस। मतलब क्यूटेनियस टिश्यू होते हैं इसके नीचे इनटू क्यूटेनियस या सबक्यूटेनियस टिश्यू, और इसके अंदर जो ड्रग्स दी जाती हैं कैसे दी जाती हैं वो अपन देखते हैं। लेट सपोज इसके एंगल की बात करते हैं, जो नीडल होती हैं आपकी, दिस इज आवर नीडल एंड इस नीडल को आपको इंसर्ट किया जाता है 45 डिग्री के एंगल पर। किस एंगल पर? 45 डिग्री। ये जो नीडल होती हैं ड्रग्स के अंदर इसका एंगल कितना होता है? 45 डिग्री। कौन सा रूट होता है? ये IM हो गया, ये सबक्यूटेनियस हो गया, तो इसका एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री एंगल, है ना। और इसके अंदर बेसिकली आपका इंसुलिन जो होता है मेजर ड्रग्स होता है, इंसुलिन जो होता है डायबिटिक पेशेंट के अंदर दिया जाता है। कौन से रूट से देते हैं? सबक्यूटेनियस। कौन से रूट से? सबक्यूटेनियस। एग्जाम्पल की बात करें इंसुलिन, एक और बात करते हैं ड्रग्स पड़ता है इनोक्सापेरिन, जिसको अपन LMWH लो मोलिकुलर हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन भी कहते हैं। इनोक्सापेरिन इसको क्या कहते हैं? इनोक्सापेरिन, जिसको LMWH लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन उसको क्या कहते हैं? उसको कौन से रूट से देते हैं? आपके सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। अच्छा ये इससे जब क्या होगी, ब्लड के अंदर वेसल्स जो होती हैं आपकी अब्जॉर्ब करेगी और सिस्टम के अंदर चली जाएगी। इतना अब्जॉर्प्शन, इसका भी ऑब्जॉर्प्शन होता है ब्लड के अंदर, इसका भी ऑब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन इतना फास्ट नहीं होता है, स्लोली स्लोली अल्टीमेटली ब्लड के अंदर चली जाएगी। लेकिन नेक्स्ट जो रूट है IV इंट्रावीनस, जिसको हम कहते हैं, वो डायरेक्टली आपके वेन के अंदर दी जाती है और उसका जो एक्शन होता है बहुत ही फास्ट होता है। सबसे फास्ट पूछा जाए किसका होता है? आपके इंट्रावीनस, विद इन 30 सेकेंड। अगर कोई आप दवाई दोगे डायरेक्टली वेन के अंदर, वो विद इन 30 सेकेंड इफेक्ट बता देगी। मतलब इतना फास्ट इसका एक्शन होता है दवाई का, इंट्रावीनस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनटू द वेन, वेन के अंदर। हमने अभी पढ़ा था आर्टरी और वेन, आर्टरी ब्लड बॉडी पार्ट्स को लेके जाती हैं और वेन जो वापस हार्ट की तरफ आती हैं। तो जब वेन के अंदर आप दवाई दोगे तो जैसे ही वेन ब्लड क्या करेगी, डायरेक्ट हार्ट को आ जाएगा और हार्ट वापस पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा, जिससे जो दवाई आपने दी है उसका फटाफट से एक्शन आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली वो कहाँ गई है? ब्लड के अंदर, या डायरेक्ट एंटर करती हैं ब्लड के अंदर, डायरेक्ट एंटर इन ब्लड। और इसका जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, फास्टेस्ट एक्शन होता है, फास्टेस्ट एक्शन विद इन 30 सेकेंड। मतलब आपने दवाई दी और 30 सेकेंड बाद में इसका असर आ जाएगा। अगर कोई किसी पेशेंट को, लेकिन अगर देखिए जितनी अच्छी चीज़ है, मान लो किसी पेशेंट को तबीयत ठीक नहीं है और उसको मान लीजिए बहुत सीवियर पेन हो रहा है, आपने पैरासिटामोल 1 ग्राम का इंसर्ट कर दिया तो उसको फटाफट से पेन के अंदर आराम आ जाएगा, इतना फास्ट एक्शन होता है। एनेस्थीसिया जो होता है कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन जब ये इतना फास्ट एक्शन करता है, अगर कोई पेशेंट को कोई मेडिकेशन सूट नहीं करती है, उसके अंदर सेंसिटिविटी हो जाती है, उसके अंदर रिएक्शन कर जाती है, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो जाए, तो सबसे डेंजर रूट भी कौन सा माना जाता है? इंट्रावीनस। मतलब जो जितनी अच्छी है उतनी ख़राब भी होता है, मेजर चांस मेजर रिस्क जो होता है इसका मेजर एनाफाइलेक्सिस या इसको रिएक्शन कह सकते हैं सिंपली, और क्योंकि डायरेक्टली ब्लड के अंदर जाएगी तो रिएक्शन अगर हो जाएगी तो इमिडिएटली हो जाएगी और वो फेटल भी हो सकता है, घातक हो सकता है, आई बात समझ में। और अगर डायरेक्ट ब्लड के अंदर जाएगी तो इन्फेक्शन का चांस भी ज़्यादा रहता है, तो इसके अंदर क्या रहेगा? मेजर चांस ऑफ इन्फेक्शन भी ज़्यादा रहेगा, है ना, IV के अंदर। अब बात करते हैं इसको कैसे देते हैं। IV जो होती है इसकी, लेट सपोज दिस इज आवर सिरिंज, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं ना, मेनली जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, लेट सपोज ये आपकी वेन होती है, सबक्यूटेनियस फैट के अंदर आपकी टिश्यू के अंदर वेन चलती है, ये ब्लड कहाँ लेके जाती है? वापस हार्ट को। अब इसको जब इंसर्ट करोगे आप वेन को, वेन के अंदर, तो ये डायरेक्टली कैसे इंसर्ट करोगे? दिस इज आवर दिस सिरिंज, इसको इंसर्ट डायरेक्ट आप ऐसे कर दोगे, ठीक है, या आपकी IV होगी। और जब डायरेक्टली आप वेन के अंदर इंसर्ट करोगे तो इसका जो एंगल होता है वो पूछा जाता है कितना होता है? 25 डिग्री। कितना होता है? 25 डिग्री।
25 डिग्री। तो अगर आपको वेन का एंगल पूछा जाए तो 25 डिग्री जवाब देना है, कितना होता है लगभग 25 के अराउंड। तो ये हमने आईवी देखा, सबक्यूटेनस देखा, इंट्रामस्कुलर देखा। नेक्स्ट रूट बढ़ता है इंट्राडर्मल। देखिए डर्मल मतलब डर्मिस, कहीं ना कहीं डर्मिस की बात आती है। स्किन की जो लेयर होती है एपिडर्मिस और नीचे वाली होती है डर्मिस। अब इंट्राडर्मल डर्मिस के नीचे अगर कोई दवाई पुट की जाती है वो किस रूट के अंदर आएगी आपके, इंट्राडर्मल के अंदर, है ना। देखिए लेट सपोज दिस इज आवर सिरिंज, ये आपकी डर्मिस है, तो ये दवाई डायरेक्ट यहाँ पर डर्मिस के नीचे पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये किसको कहेंगे, इंट्राडर्मल। और ये जो इंट्राडर्मल है इस सिरिंज का जो एंगल रहेगा वो रहेगा आपके 15 डिग्री एंगल, कितना रहेगा 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री के आसपास, मतलब 15 डिग्री एंगल रहेगा किसका आपका, इंट्राडर्मल। कितना एंगल है, इनटू द डर्मिस, यहाँ पर लिखते हैं इनटू डर्मिस या बिलो द डर्मिस, और इसका जो एंगल है बेसिकली 15 डिग्री के आसपास रहेगा। और ये जो डर्मिस होती है इसके अंदर बेसिकली जो आपके बीसीजी वैक्सीन होता है ना, एक बीसीजी जो जन्म के समय बच्चों को लगाया जाता है टीबी से प्रिवेंट करने के लिए, उसको दिया जाता है, किसको दिया जाता है, बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी वैक्सीन होता है वो इंट्राडर्मल रूट से दिया जाता है बीसीजी। पूछो वा सवाल होता है, मल्टीपल टाइम पूछा जाता है बीसीजी का जो रूट कौन सा होता है, बीसीजी का रूट हमेशा आईडी जाता है, इंट्राडर्मली दिया जाता है। और अपन बात करते हैं, अपन एक टेस्ट पढ़ते हैं आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, एएसटी टेस्ट इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, एएसटी आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट। मतलब जो मेजर एंटीबायोटिक्स होती हैं वो एंटीबायोटिक्स किसी पेशेंट को अगर सूट नहीं करती हैं तो स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, पेशेंट की स्किन के ऊपर हल्का सा इस डर्मिस के अंदर टेस्ट किया जाता है। और वो डर्मिस के अंदर जब टेस्ट करेंगे तो डर्मिस से क्या होगी, वो ब्लड वेसल्स ब्लड से अब्जॉर्ब होगी, सिस्टम के अंदर चली जाएगी, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर दवाई इंसर्ट की जाती है। अगर वहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है तो दवाई आप सिस्टम के थ्रू वेन के थ्रू कैसे भी दे सकते हो, लेकिन अगर वो दवाई पेशेंट को शूट नहीं करती है, एनाफाइलेक्सिस कॉज करती है, तो वहाँ पर जो होते हैं रैसेस होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ब्लड जो होती है, दवाई जो होती है ब्लड के अंदर इतनी हमने नहीं दी, बहुत ही 0.1 के अराउंड देते हैं, जैसे क्या होता है सेंसिटिविटी हम चेक करते हैं वो किस रूट से करते हैं, इंट्राडर्मली रूट से, है ना। आफ्टर सेंसिटिविटी जो मेजर, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप की दवाई होती है, पेनिसिलिन दवाई होगी, और आपके जो सिफेलोस्पोरिन होती हैं, सिफेलोस्पोरिन इंजेक्शन होता है, जैसे सेफ्ट्रैक्जोन हो गया, आपके जो पिप्रासिलिन आपके जो मेरोपेनेम इमीपेनेम, ये बहुत सारी दवाई होती है, इनका एंटीबायोटिक्स होती है, उनका क्या कहा जाता है, आफ्टर सेंसिटिविटी टेस्ट, जो आपके इंट्राडर्मली किया जाता है। तो ये हमने देखा स्किन के थ्रू, या इंट्रामस्कुलर का 90 डिग्री, सबक्यूटेनस का 45 डिग्री, इंट्रावेनस का 25, और इंट्रा जो डर्मली होते हैं उसका 15 डिग्री के अराउंड। तो और कौन कौन से रूट होते हैं, कौन कौन सी दवाई दी जाती है, शॉर्टली हमने यहाँ पर जाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।